यूपी में नोएडा सेक्टर 25 से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एलिवेटेड रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। नोएडा के डीएनडी फ्लाईओवर पर एक खतरनाक हादसे में एक महिला बाल बाल बच गई। बता दें कि यह घटना तब हुई जब महिला स्कूटी पर सवार थी और तभी उसके वाहन पर किसी कार ने इतनी जोरदार टक्कर मार दी कि टक्कर लगने से स्कूटी अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला फ्लाईओवर के दो लेन के बीच स्थित पोल पर गिरकर फंस गई। पिलर होने की वजह से हादसे के बाद लड़की नीचे नहीं गिरी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे नोएडा पुलिस ने लड़की को बचाया है। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने सावधानी पूर्वक महिला को पोल से सुरक्षित उतारा और नजदीकी अस्पताल भेजा। जिसके बाद पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की कि वे स्पीड लिमिट का पालन करें और अपनी और अन्य यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखें। वहीं पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है। एक युवती जो नोएडा से गाजियाबाद की तरफ अपनी स्कूटी से जा रही थी और वो दुर्घटनावश उसकी जो स्कूटी थी उस दुर्घटनाग्रस्त हुई और वो जो युवती थी वो एलिवेटेड रोड के नीचे जो पिलर्स होते हैं पिलर्स के स्टॉपर पे आकर के बेस पर आकर के गिर गई और सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही अल्प सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, हमारी रेस्क्यू टीम आई, फायर की रेस्क्यू टीम आई, हम लोगों के द्वारा उस युवती को सकुशल वहाँ से निकाल लिया गया है, एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवा दिया गया है। दो लोग और थे जो उसकी मदद के लिए वहाँ पर थे, उनको भी हम लोगों के द्वारा उतार कर अस्पताल भिजवा दिया गया है और जो कार्यवाही हो की जाए।